तो पावर क्यूरी में हम टेक्स्ट फंक्शन की एक चौथी क्लास ले रहे हैं, जिसमें हम बात कर रहे हैं कुछ मेंबरशिप एंड ट्रांसफॉर्मर फंक्शंस की। तो टेक्स्ट फंक्शन जो कि जो फंक्शन यूज कर रहे हैं वो फंक्शन इस्तेमाल होते हैं पावर क्यूरी में। तो पावर क्यूरी का एक अलग फंक्शन होता है जो कि कस्टम एंड एम क्यूरी में हम यूज करते हैं। तो हम बात करेंगे सबसे पहले फंक्शन टेक्स्ट एंड विथ। मुझे पता करना है कि कोई टैक्स किसी चीज से एंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे सिटी में कहीं पे दिल्ली है, कहीं पे न्यू दिल्ली है, बट वही कहीं पे दिल्ली रोड भी है। तो मुझे ये पता करना है कि सिटी में दिल्ली एंड है कि, चेक करना है कि दिल्ली है या नहीं। तो डीएल नाम का कॉलम बनाते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं टेक्स्ट डॉट एंड, टेक्स्ट एंड विथ, इसको हम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे टेक्स्ट पहले से आ जाता है, इसको डिलीट कर दीजिए। और टेक्स्ट एंड विथ में हम ब्रैकेट ओपन करते हैं और करने के बाद हमने यहाँ पे सिटी को लिया, सिटी, और क्या ढूंढना है वो तो हमने यहाँ पे डाल दिया दिल्ली। अब रिजल्ट जो देगा वो ट्रू एंड फॉल्स में देगा। अगर दिल्ली इसके अंदर में है लास्ट में, न्यू दिल्ली होगा तो होगा, दिल्ली होगा तो होगा। अब जैसे दिल्ली रोड हो गया, दिल्ली स्टार्टिंग में है तो फिर ये नहीं कर पाएगा, एंड में है तो ये कर पाएगा। अब इसमें अगला जो ऑप्शन आता है वो आता है नेम का। अब यहाँ पे देखिए मुझे नेम नहीं है, तो हम एक काम करते हैं, इस डेटा को करते हैं कैंसिल, डिस्कार्ड कर देते हैं और वापस यहां पे हम फ्रॉम में हमने ब्लैंक क्यूरी ले लिया। मैं यहां पे खुद से डेटा एंटर कर देता हूं, एंटर डेटा। बेसिकली मैं चाहता हूं नेम, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को अलग अलग करना, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को अलग अलग करना। जैसे यहाँ पे मैंने नेम लिखा हुआ है और नेम में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पूजा सिंह, मोहन कुमार, रवि सिंह राणा एंड उदय कुमार। हमने यहाँ पे छोटा सा डेटा बना दिया, इसके हम इसका नाम टीटी कर देते हैं और ओके कर देते हैं। तो डेटा यहाँ आ जाएगा थोड़ी देर। अब मुझे इसमें से फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम अलग करना। तो फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम अलग करने के लिए हमने आपको इससे पहले बताया था कि लेफ्ट की तरह जो फॉर्मूला यूज होता है वो आप यूज कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये होता है, हम यहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम ये होता है कि इसमें हमारा जो है टेक्स्ट स्टार्ट हम यूज नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं टेक्स्ट पोजीशन। क्योंकि अगर हम टेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे ऐड कॉलम में गया और कस्टम में गया, और कस्टम में जाने के बाद मैंने यहाँ पे फर्स्ट नेम लिया, फर्स्ट नेम लिया, तो यहाँ पे हम टेक्स्ट स्टार्ट, अब टेक्स्ट स्टार्ट अगर करते हैं और इसमें हम नेम को सेलेक्ट करते हैं, अब यहाँ पे प्रॉब्लम आता है नंबर ऑफ करेक्टर कि कितना करेक्टर हमें लेना है, लेकिन हमें तो पता ही नहीं है कि इसमें कितना करेक्टर ऑलरेडी है। क्योंकि अगर मुझे पता होगा, क्योंकि हर लेटर का अलग अलग है, अगर एक फिक्स लेटर होगा तो इसका यूज कर लेंगे, लेकिन हर लेटर का अलग अलग है, तो उस केस में हम यहां पे लगाएंगे फॉर्मूला टेक्स्ट पोजीशन, टेक्स्ट पोजीशन ऑफ, टेक्स्ट पोजीशन ऑफ, और इसमें हम नेम को सिलेक्ट करते हैं और हम बोलते हैं कि इसमें स्पेस को ढूंढो,
और जो रिजल्ट आए उसमें से एक माइनस करके और हमें नाम दे दो फर्स्ट। तो ये देखिए, तो बेसिकली इसमें हमें एक माइनस नहीं करना चाहिए क्योंकि एक माइनस करने से दिक्कत हो गया है, इसलिए एक माइनस छोड़ देते हैं। देन देखिए यहाँ आपका पूछा, तो एक टेक्स्ट नेम जस्ट लाइक फाइंड की तरह वर्क करता है। जी हाँ बिल्कुल, फाइंड की तरह वर्क करता है। एक्सेल में जो फाइंड फॉर्मूला है वो सेम फॉर्मूला यहाँ आपका यूज होता है। अच्छा एक और आता है टेक्स्ट पोजीशन ऑफ एनी, टेक्स्ट पोजीशन ऑफ। अब मान लीजिए कि इसमें इस जो ठीक है नॉर्मल है कुमार है, लेकिन मेरे पास अगर दो तीन इकट्ठे ढूंढना हो तब क्या करेंगे? जैसे कि हम ढूंढना चाहते हैं कि इसमें स्पेस भी हो डैश भी हो, तो अलग अलग, जैसे रवि सिंह राणा है, अब इसमें दो स्पेस है, मुझे एक से ज्यादा वर्ड ढूंढना है तो हम इसका यूज करते हैं टेक्स्ट पोजीशन एनी। इसमें आप कर्ली ब्रैकेट में दे सकते हैं कि इस नेम के अंदर आप क्या क्या करेक्टर ढूंढना चाहते हैं, लिस्ट ऑफ करेक्टर दिख रहा है, लिस्ट ऑफ करेक्टर, इसको आप कर्ली ब्रैकेट में दे सकते हैं। क्या हम यहाँ स्पेस दे सकते हैं एक सिंगल? तो चलिए देखते हैं रिजल्ट क्या आएगा इसका। रिजल्ट एरर आएगा क्योंकि ये सिंगल नहीं लेगा। अच्छा इसको हम कर्ली ब्रैकेट में दे देते हैं क्योंकि एरर फॉर्मेट लेता है, तो कर्ली ब्रैकेट तो आ गया, कर्ली ब्रैकेट में आ गया चौथे नंबर, क्योंकि जीरो से काउंट करता है इसलिए चौथा नंबर यहाँ पे दिया है। हालांकि अगर नॉर्मल फाइव तो इसमें आप कई सारे कॉमा लगा के कई सारे करेक्टर को ढूंढ सकते हैं। तो आप इसके मदद से जैसे हमने टेक्स एंड विथ पढ़ा था वैसे ही होता है टेक्स स्टार्ट विथ में आपको देता है कि ये है स्टार्टिंग से है या एंडिंग से है, दिल्ली न्यू दिल्ली होना चाहिए तो न्यू को ढूंढ सकते हो एंड विथ फॉर्मूला। इस तरह से और भी इसके अंदर फॉर्मूला होते हैं। तो अगली वीडियो में हम ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले पढ़ेंगे टेक्स्ट कैटेगरी। ओके।